ये सिर्फ हम बोलने के लिए नहीं बोलते, नेचर हील्स यू, इट डज, इट रियली डज। ये आपने प्रीवियस वीडियो अगर देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा मैंने आपको ये कॉफ़ी बीन्स दिखाए थे, तो ये यहाँ पे भी थोड़े बहुत नॉन लगा रखे हैं। बाकी एग्जैक्ट अगर कॉफ़ी प्लांटेशन देखना तो मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर लेना, इससे प्रीवियस वीडियो। जतिन जतिन जी, जतिन जतिन जी, तो यार बीच रास्ते में मैं देखता हूँ एक्टिविटीज का बोर्ड जहाँ पे जिप लाइनिंग, क्वाड बाइकिंग वो सब लिखा था, तो मैं सिर्फ क्वेरी करने के लिए अंदर जाता हूँ। अब वहाँ पे मैं कॉम्बो पैकेज लेता हूँ जिसमें जिप लाइनिंग, क्वाड बाइकिंग, आर्चरी, शूटिंग, रोप वॉक, ये सब एक्टिविटीज इंक्लूड थी। और इस टाइप की एक्टिविटीज़ ज़रूरी है लाइफ में ताकि आपका डर जो है कम हो, क्योंकि डर सिर्फ डर फेस करने से ही कम होता है। और जिप लाइनिंग पे जब उन्होंने फर्स्ट टाइम पुश किया और वहाँ से जो लेसन मिला वो ये था कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो सबसे मुश्किल होता है। उसके बाद तो आप हवा में हैं, आपको पता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप होता है डर हमेशा वहीं लगता है। देन रोप वॉक, वो इतना इंटरेस्टिंग मुझे पर्सनली नहीं लगा। नाउ द बेस्ट पार्ट, क्वाड बाइकिंग, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्वाड बाइकिंग था। जो थ्रिल क्वाड बाइकिंग में आया आई डाउट किसी और एक्टिविटी में आ सकता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा ऑफ रोड ट्रैक बना रखा था, बहुत ही अमेजिंग ट्रैक था। जो टर्न्स थे, जो मिट्टी उड़ रही थी आसपास, अमेजिंग। और सबसे बेस्ट पार्ट क्वाड बाइकिंग का था वहाँ का व्यू, बिल्कुल ऐसा लग रहा था किसी जंगल में हो आप, साइड में नदी चल रही है और इस तरफ आपके इतने लंबे लंबे पेड़ खड़े हैं। आफ्टर क्वाड बाइकिंग मैंने आर्चरी की और शूटिंग की। आई एम गोइंग टू डू सम एक्टिविटीज हियर, यहाँ पे है रोप वॉक फर्स्ट एंड देन क्वाड बाइकिंग, और भी बहुत ऑप्शंस हैं, लेट्स सी। सभी एक्टिविटीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, जिप लाइनिंग इज़ देयर, बाकी रिवर राफ्टिंग दोबारा में होगी, सो आई डू इट देयर, ठीक है, दोबारा एलिफेंट कैंप में। लुक एट दिस मैन, लुक एट दिस सीन्स, वाव, जस्ट अमेजिंग। ये सिर्फ हम बोलने के लिए नहीं बोलते, नेचर हील्स यू, इट डज, इट रियली डज। या आपने इससे प्रीवियस वीडियो अगर देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा मैंने आपको ये कॉफ़ी बीन्स दिखाए थे, तो ये यहाँ पे भी थोड़े बहुत नॉन लगा रखे हैं। बाकी एग्जैक्ट अगर कॉफ़ी प्लांटेशन देखना तो मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर लेना, इससे प्रीवियस वीडियो आई बटन में लिंक दे दूंगा, सो कैन गो एंड चेक इट आउट। यू जस्ट कैन फील दिस, राइट, वेट, लेट मी शो यू, इट गोज़ फ्रॉम हियर टिल देयर। Amazing experience. Some rope walk. Done. Let's go. It was scary starting me, but then now for the next activity you have to tie this like this. Done. Do people fall also? No. Same like the biking. Mm-hmm. This one is accelerator. Yes. And here there is a brake. I will be controlling the brake. This. It's brake. Okay. 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 I will be controlling. Okay. Okay. First, just being behind. Yeah. Okay.
than this bullet. Fake. You have to you can leave here so that you can keep at your high side. Mm-hmm. So this is like auto unlock means you mm-hmm. need to keep the gun here, okay? Mm-hmm. You should hit okay. and you should lock. Okay, okay. After that you can load. Mm-hmm. Then again it need to pull it. Lock it back. Unlock it. So yahan pe ye mujhe bata rahe the ki ye gun load kaise hoti hai and all that. Okay. Keep at your high side. Mm-hmm. Have to fix that here. Mm-hmm. Have to pull the rope only. Okay. Then archery ki first time experience tha. Amazing experience tha. हाँ, you have to pull the rope, it's okay, okay. Oh, yes, और मेरा तो यही मानना है लाइफ में हमेशा नए नए एक्सपीरियंसेस करते रहने चाहिए वरना लाइफ बोर हो जाती है. जस्ट फॉर एन एक्सपीरियंस और ए मेमोरी हमें करते रहनी चाहिए ये सब एक्टिविटीज. जरूरी नहीं इसके लिए आपको कुर्गी आना है, आपके आसपास भी ऐसी एक्टिविटीज होती होंगी. सो गो एंड डू इट यार. अब यार सारी एक्टिविटीज के बाद मेरा नेक्स्ट प्लान था दोबारा एलिफेंट कैंप और चिकली होल वाटर रिजर्वर देखने का, बट उससे पहले मुझे फ्रेशन अप होने की जरूरत थी. इसलिए फर्स्ट मैं अपने स्टे पे पहुंचता हूं और फ्रेशन अप होने के बाद नेक्स्ट आई विल गो टू दोबारा एलिफेंट कैंप. और आई वॉज शॉक आसपास के व्यूज देखते देखते. पता नहीं शायद ये मेरी फर्स्ट ट्रिप है इसलिए मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है या फिर ये जगह ही इतनी खूबसूरत है. एंड द बेस्ट पार्ट वॉज बाइकिंग, मतलब बाइकिंग इज लाइक चेरी ऑन द केक. और मैं यही सोच रहा हूँ पूरी जर्नी में शायद ये दुनिया ही सुंदर है, बस शुरू मैंने अब किया है. तो ऐसी ही सुंदर सुंदर जगह बहुत देखनी है अभी और आपको दिखाने भी है साथ साथ. पर जो हमारा पहला ट्रिप होता है या हमारे कुछ भी पहला होता है ना, वो हमेशा खास होता है हमारे लिए. जस्ट लाइक दैट मुझे ऐसा लगता है शायद ये ट्रिप मेरे लिए हमेशा खास रहेगी. और यार रही बात स्टे की, तो मैंने ये एयरबीएनबी से बुक किया था, नाम जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, यू कैन गो एंड चेक इट आउट. और द बेस्ट पार्ट इज कि बहुत ही अंदर जाके है, मतलब बहुत किसी एक छोटे से गांव में है, कराड़ीगोड़ू नाम से गांव है, उसके अंदर है. जतिन जतिन जी, जतिन जतिन जी, हमारा देश असली बसता ही गांव में है. आपको सच बताऊं, अगर कुर्ग जा रहे हो किसी गांव में जरूर जाना यार. शहर रोड तो ले आएंगे लेकिन नजारे कहां से लाएंगे.